गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. टुडे विल बी स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द कम्युनिकेबल डिसीज. इट हैज गॉट अ लॉट्स ऑफ सब टॉपिक सच एज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सरफेस इन्फेक्शन एटसेट्रा. सो what is the communicable disease? First question is arise in this chapter, what is the communicable disease? So it is a disease that spread from one person or animal to the another. Communicable disease kya hai? Aisa disease hai wo spread hota hai from one person or animal to the another. Ek person se dusre person ko hota hai, ise hi bolte hum communicable disease. Pathogens such as viruses, bacteria and fungi cause this disease. जो pathogens होते हैं, जो कि pathogens यानी वो cause करते हैं disease. ऐसे pathogens यानी कौन से pathogens हो गए? Viruses, bacteria, fungi causes the disease. वो क्या करते हैं? Cause करते हैं disease. कम्युनिकेबल डिसीज यानी क्या? ऐसे डिसीज वो स्प्रेड होते हैं वन पर्सन टू द अनादर पर्सन बाय द पैथोजन्स. पैथोजन्स यानी क्या? वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी विच कॉज द डिसीजेस. सो द कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल्स क्या है? कौन से कम्युनिकेबल डिसीज है? फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज द टीबी. ट्यूबरकुलोसिस भी कम्युनिकेबल डिसीज है. वो स्प्रेड होता है स्पूटम से या फिर कफिंग ड्रॉपलेट्स से. देन चिकन पॉक्स भी स्प्रेड होता है वन पर्सन टू अनादर पर्सन. देन टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया एट्सेट्रा, ये भी कम्युनिकेबल डिसीज है. वो ये एग्जाम्पल्स है कम्युनिकेबल डिसीज के. देन अ पर्सन मे वैरी अ पर्सन में डेवलप अ कम्युनिकेबल डिसीज आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन. कम्युनिकेबल डिसीज कब स्प्रेड होता है? जब एक पर्सन को यानी कि एक पर्सन को पैथोजन इन्फेक्ट करता है. पैथोजन यानी क्या? जो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी होते हैं. अगर एखादे पर्सन में वायरस चला गया तो वो इन्फेक्ट करता है, वो पर्सन इन्फेक्ट करता है अदर पर्सन को. देन दिस मे हैपन थ्रू, ये कैसा हैपन होता है, कैसा फॉर्म होता है? तो फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ पर्सन कैरिंग द पैथोजन. अगर एखादी पर्सन कैरी कर रहा है पैथोजन, उसको इन्फेक्टेड है वो, तो वो पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हम अगर हेल्दी पर्सन जाए तो उसको भी वो डिसीज हो सकता है. देन सेकेंड पॉइंट है कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टेमिनेटेड फ्लूइड सच एज अ ब्लड, म्यूकस और सलाइवा. अगर हम कॉन्टेमिनेटेड करते हैं ब्लड के, जो ब्लड कॉन्टेमिनेटेड है, एक पर्सन है उसको वायरस ने कॉन्टेमिनेटेड किया, पैथोजन ने कॉन्टेमिनेटेड किया, ऐसा ब्लड, उसका ब्लड अगर हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट है इनहेलिंग कॉन्टेमिनेटेड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अनादर पर्सन कफ और स्नीज. अगर कॉन्टेमिनेटेड पर्सन ने स्नीज किया, कफ किया और जो उसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो इनहेल कर लिया हेल्दी पर्सन ने, तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है. देन रिसीविंग अ बाइट फ्रॉम एन एनिमल और इंसेक्ट कैरिंग द पैथोजन. ये है रिसीविंग द बाइट, यानी अगर एखादा एनिमल इन्फेक्टेड हुआ और वो बाइट कर रहा है हेल्दी पर्सन को, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. देन नेक्स्ट है कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड्स. अगर वाटर कॉन्टेमिनेटेड है और वो हमने कंज्यूम किया, हेल्दी पर्सन ने कंज्यूम किया, तो वो भी वो हेल्दी पर्सन भी कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा. ये हो गए हमारे स्प्रेडिंग पैथोजन्स. क्या है? फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अ पर्सन कैरिंग द पैथोजन. फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब होगा पर्सन का कैरिंग द पैथोजन्स. देन सेकंड कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टेमिनेटेड फ्लूइड्स. देन सेकंड कौन सा है? कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टेमिनेटेड फ्लूइड्स सच एज अ ब्लड, म्यूकस और सलाइवा. देन नेक्स्ट इनहेलिंग कॉन्टेमिनेटेड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अनादर पर्सन कफ एंड स्नीज.
Next, receiving a bite from an animal or insect carrying the pathogen. Then last, consuming contaminated water or foods. Consuming contaminated water or foods. ये हो गया हमारा communicable disease. तो क्या है communicable disease? यानी क्या ऐसा disease है वो spread होता है one person or animal to the another. एक पर्सन से दूसरे को जो डिसीज़ होता है उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है इसकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. सो व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रेफर टू एनी ऑफ अ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस इन्वॉल्विंग इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी क्या? ऐसा इन्फेक्शन जो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन्फेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इन विच रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेकेंड इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. कौन से? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम बोल सकते हैं URTI. देन लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज द LRTI. सो नाउ वी फर्स्ट डिस्कस द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर द इलनेस कॉज बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? ये क्या है? इलनेस कॉज बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन. कॉज जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो इलनेस फॉर्म होता है विच इन्वॉल्व द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. वो क्या इन्वॉल्व करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल नोज, साइनसेस, फारिंग्स और लैरिंग्स. दीज कॉमनली इंक्लूड्स टॉन्सिलिटीज, फारिंजिटीज, लैरिंजिटीज, ऑरिटीज एट्सेट्रा. ये क्या हो गया हमारा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी क्या? आर द इलनेस कॉज बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन. ये कब कॉज होता है? एक्यूट इन्फेक्शन में कॉज होता है विच इन्वॉल्व द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से पार्ट्स आते हैं? नोज आता है, साइनसेस आता है, फारिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है. देन दिस कॉमनली इंक्लूड्स टॉन्सिलिटीज, फारिंजिटीज, लैरिंजिटीज, ऑरिटिटिस एट्सेट्रा. देन आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नेक्स्ट कौन सा है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इन्फ्लामेशन ऑफ अ एयर पैसेज विथ इन द लंग्स. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है एयर पैसेज में विद द लंग्स. लंग्स में जो एयर पैसेज होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन फॉर्म होता है, इसको ही बोलते हैं हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. देन ट्रकिया, वाइंड पाइप एंड द लार्ज एंड स्मॉल ब्रोंकाई एयरवेज विद इन द लंग्स बिकम अ इन्फ्लेम बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तब क्या होता है? ट्रकिया यानी वाइंड पाइप जो होता है वो ब्रोंकाई होता है. जो ब्रोंकाई यानी एयरवे, पैसेज ऑफ एयरवे होता है, वो विथ इन द लंग्स बिकम्स अ इन्फ्लेम. ये जो ब्रोंकाई एंड ट्रैचिया होता है वो क्या होता है? इन्फ्लाम होता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर सब डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज ब्रॉन्चिटिस एंड सेकंड इज निमोनिया. फर्स्ट इज ब्रॉन्चिटिस एंड सेकंड इज निमोनिया. हमने क्या क्या देखा अभी तक? फर्स्ट देखा हमने कम्युनिकेबल डिसीज़ की डेफिनेशन. देन उसके एग्जांपल्स, कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जांपल्स कौन से हैं, वो स्प्रेड कैसे होता है. देन उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी क्या, उसके टाइप्स कौन से है. देन हम देखेंगे अभी हमारा फर्स्ट डिसीज़, दैट इज़ द चिकन पॉक्स. कम्युनिकेबल डिसीज़ में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? एक एक डिसीज़ हमें दिया है, उस डिसीज़ में हमें
उसका पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड उसका प्रिवेंशन मेजर्स हमें डिस्कस करना है. सो द फर्स्ट इज चिकन पॉक्स. सो व्हाट इज द चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स यानी क्या होता है? चिकन पॉक्स तो ऑलमोस्ट यानी कि 50% को तो भी हुआ है अभी तक, तो सबको पता है चिकन पॉक्स यानी क्या. तो चिकन पॉक्स इज अ कॉज बाय वायरस कॉल्ड एज अ वैरिसीला जूस्टर. कौन से वायरस से कॉज होता है? वो वायरिसेला जूस्टर नाम के एक वायरस से कॉज होता है. कौन? चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स इज कॉज बाय द वायरस कॉल्ड एज अ वायरिसेला जूस्टर. पीपल हु गेट द वायरस ऑफ्टन डेवलप अ रैश ऑफ स्पॉट दैट लुक्स लाइक अ ब्लिस्टर ऑल ओवर देयर बॉडीज. अगर एखादा पीपल को वो वायरस यानी कि वो वायरस अगर उसके बॉडी में चला गया तो वो क्या डेवलप करता है? रैश ऑफ स्पॉट दैट लुक्स लाइक अ ब्लिस्टर. क्या करता है? हमारे स्किन पर रैश या फिर एखादा स्पॉट आता है देन विच इज लुक लाइक अ ब्लिस्टर ऑल ओवर देयर बॉडीज. कहीं पर भी रैशेज, स्पॉट या फिर एखादा फोड़ जैसा आ जाता है वो होता है चिकन पॉक्स में. देन द ब्लिस्टर आर स्मॉल एंड सीट ऑन अ एरिया ऑफ रेड स्किन दैट कैन बी एनी वेयर एंड दे आर ऑफ वेरिंग साइज. जो ब्लिस्टर होता है वो स्मॉल भी होता है या फिर लार्ज भी होता है और वेरिंग ऑफ साइज, वो कभी भी यानी कि कौन से भी साइज में हो सकता है और कहीं पर भी हमारे बॉडी में आ सकता है, यानी कि कोई भी एरिया में हमारे बॉडी में वो डेवलप हो सकता है. देन उसके सिम्टम्स क्या है? चिकन पॉक्स का वायरस अगर हमारी बॉडी में चला गया, ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ रैशेज भी आ गए, ब्लिस्टर भी फॉर्म हो गया, पर हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके सिम्टम्स क्या है तो वो हम डिस्कस करेंगे. उसका फर्स्ट सिम्टम्स है लॉस ऑफ एपेटाइट. लॉस ऑफ एपेटाइट यानी हमको भूख नहीं लगना. देन कोल्ड. देन फीवर. फीवर भी आता है उसमें. एब्डोमिनल पेन भी होता है, हेडेक भी होता है. जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस. देन रैश, फटी. देन सोर थ्रोट. फीवर मे बी हाई फॉर अ फर्स्ट फ्यू डेज. जब फीवर आता है तो फाइव डेज के जो फर्स्ट फाइव डेज होता है तब उसका वो फीवर हाई टेम्परेचर होता है उस वो फीवर का. तो क्या क्या है सिम्टम्स? क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, कोल्ड, फीवर, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस, देन रैश, फटीग, सोर थ्रोट. फीवर मे बी हाई फॉर अ फर्स्ट फ्यू डेज. ये हो गए हमारे सिम्टम्स. देन हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ चिकन पॉक्स. सो तो क्या क्या है स्टेजेस? मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है क्या क्या है स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड यानी क्या? इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा अगर वायरस हमारे एखादे पर्सन के बॉडी में चला गया तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा? 14 to 17 days. इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा? 14 to 17 days. देन 14 to 17 days आफ्टर प्रोडोम. प्रोडोम मीन्स द अर्ली साइन ऑफ सिम्टम. प्रोडोम मीन्स अर्ली साइन ऑफ सिम्टम. वो कैसे रहेगा? 1 to 3 days रहेगा. देन वेसिकल्स. वेसिकल्स यानी स्मॉल ब्लिस्टर फुल ऑफ क्लियर फ्लूइड. वेसिकल्स यानी क्या? स्मॉल ब्लिस्टर फुल ऑफ क्लियर फ्लूइड. देन पस्ट्यूल्स. पस्ट्यूल्स यानी क्या? पैचेस ऑफ स्किन. पस्ट्यूल्स यानी क्या? ऐसे पैचेस ऑफ स्किन दैट फुल ऑफ येलोइश फ्लूइड कॉल्ड एज पस. पस्ट्यूल्स यानी क्या? ऐसे पैचेस, ऐसे यानी कि पैचेस रहते हैं स्किन पे वो फुल ऑफ येलोइश फ्लूइड. वो फुल यानी कि वो पैचेस येलोइश फ्लूइड से फुल रहते हैं और विच इज कॉल्ड एज अ वो येलोइश फ्लूइड को हम बोल सकते हैं पस. देन स्कैप्स. स्कैप्स मीन्स मास्क ऑफ ड्राइड ब्लड दैट फॉर्म्स ओवर अ पार्ट ऑफ बॉडी. मास्क ऑफ ड्राइड ब्लड. एखादी इंजुरी आपको होती है, एखादी जख्म आपके स्किन पर होती है, उसके बाद वो रिकवर होने के बाद एक ब्लैक स्किन जैसे आती है, उसको ही बोलते हैं हम स्कैप. वो क्या रहता है? ड्राइड ब्लड रहता है दैट फॉर्म्स ओवर अ पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है. देन लास्ट है रिकवरी
टिपिकली 7 days आफ्टर रैश अपियर्स। रिकवरी कब होती है? टिपिकली 7 days आफ्टर रैश अपियर। अगर एक रैश अपियर हो गया तो उसके 7 days के बाद रिकवरी हो सकती है। ये है हमारी स्टेजेस ऑफ चिकन पॉक्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या आती है हमारी चिकन पॉक्स की? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है उसमें? 14 to 17 days। देन प्रोडोम। प्रोडोम का प्रोडोम यानी क्या होता है? अर्ली साइन और सिम्टम्स। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, उसका पीरियड कितना रहता है? 1 to 3 days। देन वेसिकल्स। वेसिकल्स यानी स्मॉल ब्लिस्टर फुल ऑफ क्लियर फ्लूइड। इसमें वेसिकल्स में क्या होते हैं? स्मॉल ब्लिस्टर यानी एक आधा फोड़ होता है उसमें, उसमें क्या होता है? क्लियर फ्लूइड, येलोइश फ्लूइड नहीं रहता है इसमें, इसमें क्लियर फ्लूइड रहता है। फॉर देन पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स यानी क्या? ऐसे पैच ऑफ स्किन दैट फुल ऑफ येलोइश फ्लूइड कॉल्ड एज अ पस। देन स्कैब्स। स्कैब्स मीन्स मास्क ऑफ ड्राइड ब्लड दैट फॉर्म्स ओवर अ पार्ट ऑफ बॉडी, दैट फॉर्म्स ओवर अ पार्ट ऑफ बॉडी। देन लास्ट इज रिकवरी, टिपिकली 7 days आफ्टर रैश अपियर्स। रैश अगर अपियर हो गया उसके 7 days बाद रिकवरी हो सकती है। ये क्या है? स्टेजेस ऑफ चिकन पॉक्स। देन वी डिस्कस द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या बताया है? कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। एक आधी पर्सन है उसको चिकन पॉक्स हुए है, उसके कॉन्टैक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आया तो उसे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। देन द कॉन्टैक्ट नीड नॉट बी इंटीमेट, सीरियल ट्रांसमिशन में ऑफर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस विथ इन अ क्लोज स्पेसेस। द स्कैब्स रिमेन इन्फेक्शियस फॉर अ वेरिएबल पीरियड। जो स्कैब्स होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होते हैं फॉर अ वेरियस पीरियड ऑफ टाइम। देन द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी एक्सटेंड फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम्स टू डिसअपियर्स ऑफ क्रस्ट एंड स्कैब्स। द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी एक्सटेंड फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम्स टू डिसअपियर्स ऑफ क्रस्ट एंड स्कैब्स। जो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड होता है, जो अब अगर हमने हमको चिकन पॉक्स हुआ है, ठीक है, चिकन पॉक्स होने के बाद कब तक वो कम्युनिकेबल हो सकता है? जब तक जो स्क्रैप्स होते हैं वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, पूरे डिसअपियर ना हो जाए, उसके 7 days बाद वो कॉन्टेमिनेटेड नहीं करेगा पर्सन, ठीक है। अ पीरियड ऑफ अबाउट 2-3 weeks। कितना पीरियड रहेगा? 2-3 weeks अबाउट। मैक्सिमम पीरियड कितना रहेगा? 2-3 weeks लेगा, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट कम्युनिकेबल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसीज। ये कब कम्युनिकेबल होता है? ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसीज, जब अर्ली सिम्टम्स आते हैं, हमें रैशेस आते हैं या फिर वेसिकल्स पोस्टल फॉर्म होते हैं, तब ये ज़्यादा कम्युनिकेबल करते हैं। ये हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या बताया है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जो पहले से ही सफ़र करता है डिसीज में, ठीक है। देन द कांटेक्ट नीड नॉट बी इंटीमेट, सीरियल ट्रांसमिशन में ऑकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस विथ इन अ क्लोज स्पेसेस। द स्कैब्स रिमेन इन्फेक्शियस फॉर अ वेरिएबल पीरियड। द पीरियड ऑफ एक्सटेंड फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम्स टू डिसअपियर्स अ क्रस्ट एंड स्कैब्स। अ पीरियड ऑफ अबाउट 2-3 weeks। कितना पीरियड रहेगा? अगर स्क्रैप्स वो डिसअपियर भी हो गए तभी भी 2-3 weeks तक अगर उसके कॉन्टैक्ट में आए हम तभी भी हमको वो डिसीज हो सकता है। देन इट इज़ अ मोस्ट कम्युनिकेबल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसीज। ये कब कम्युनिकेबल होता है? अर्ली स्टेजेस में, जब स्टार्टिंग होती है डिसीज़ की, जो वायरस हमारे इंक्लूड होता है बॉडी में, और वो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें ज़्यादा इन्फेक्ट करता है पर्सन को, अदर पर्सन को। ये हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स। देन हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। स्मॉल पॉक्स वायरस एंटर द बॉडी थ्रू
थ्रू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। स्मॉल पॉक्स वायरस ये एंटर कहाँ से होता है, मानते अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर होता है बॉडी में। देन इट फर्स्ट इन्फेक्ट द म्यूकोसल से एंड सून आफ्टरवर्ड्स इज थ्रू टू रीच द रीजनल लिम्फ नोड। फर्स्ट इन्फेक्ट कहाँ पर करता है ये, म्यूकोसल सेल्स में। देन रीच टू द रीजनल लिम्फ नोड, देन लिम्फ नोड में जाता है। फर्स्टली कहाँ पर इन्फेक्ट करता है, थ्रू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है। देन उसके बाद फर्स्ट इन्फेक्ट द म्यूकोसल सेल, देन रीच टू द रीजनल लिम्फ नोड। पहले तो म्यूकोसल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, देन कहाँ पर जाता है, लिम्फ नोड में जाता है। देन दिस स्टेज, एट दिस स्टेज द पेशेंट इज रेटिक्यूलो इंडोथेलियल सेल्स, सॉरी एट दिस स्टेज द पेशेंट इज नॉट इन्फेक्शियस। वो जो स्टेज होती है लिम्फ नोड में इन्फेक्ट करने की, ये स्टेज पर पेशेंट इज नॉट इन्फेक्शियस, वो पेशेंट इन्फेक्शियस नहीं होता है। देन अ ट्रांजिएंट वेरीमिया मे फॉलो विथ अ इन्फेक्शन ऑफ अ वेटिक्यूलो इंडोथेलियल सेल्स थ्रू आउट द होल बॉडी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस इन दिस सेल्स लीड्स टू सेकंड एंड मोर इंटेंस वेरिसेमिया विच इंडिकेट्स द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल इलनेस। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है वायरस का। दिस सेल्स लीड्स टू सेकंड एंड मोर इंटेंस वेरेमिया विच इंडिकेट्स द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल इलनेस। During the first 3-4 days of the fever, the virus multiplies in epithelial cells of skin. First indication क्या है इसका, symptoms क्या है इसका, जो first 3-4 days होते हैं fever के उसमें क्या होता है, multiplication of virus in epithelial cells of skin, skin के epithelial cells में वो virus का multiplication होता है जब firstly 3-4 days होते हैं fever के तब। Then focal lesions are formed which give rise to the rash and in 2 to 3 days mucus appears and progress to papular, vesicular and pustular stages। जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसमें क्या बताया है, फोकल लेशंस आर फॉर्म, फोकल लेशंस होते हैं वो फॉर्म होते हैं, एंड विच गिव राइज टू अ रैश, एंड विच गिव राइज टू अ रैश, स्किन पर रैश आते हैं इन 2 to 3 डेज पे। देन म्यूकल अपियर्स, म्यूकल अपियर होता है, म्यूकल यानी क्या, पैचेस, पैचेस यानी पैचेस होते हैं, म्यूकल मीन्स विच फ्लैट स्पॉट्स ऑन अ स्किन एटलीस्ट 1 centimeter इन अ साइज। देन प्रोग्रेस टू पॉपुलर, पॉपुलर यानी राइज स्किन लेशंस, म्यूकल यानी क्या होते हैं, पैचेस विच इज अ साइज अप टू 1 centimeter इन अ साइज। देन पॉपुल्स क्या है, राइज स्किन लेशंस लेस देन 1 centimeter, वो क्या है, राइट स्किन लेशन से लेस देन 1 centimeter। देन वेसिकुलर एंड पोस्टुलर स्टेजेस, वेसिकुलर भी बताया मैंने, वेसिकुलर यानी क्या, स्मॉल ब्लिस्टर फुल ऑन क्लियर फ्लूइड। देन पोस्टुलर पैचेस ऑन अ स्किन दैट फुल ऑफ येलोविश फ्लूइड कॉल्ड एज पस। देन बिकॉज द वायरस grows at least temperature, at a lower temperature when there is onset of fever, viruses are probably only able to grow in a cooler tissue, particularly in a skin। ये हो गया हमारा pathogenesis of chicken pox। Then हम उसका treatment देखेंगे, sorry prevention देखेंगे। prevention क्या है उसका, Immediately on the discovery of case of smallpox, the patient should be isolated preferably in a appropriate hospital। अगर discovery हुई smallpox की या फिर chickenpox की तो patient को isolate करना चाहिए in appropriate hospital में। Then the contact should be traced, vaccinated or revaccinated and kept under a surveillance।
देन उसको वैक्सीनेटेड करना चाहिए। अगर उसने वैक्सीन नहीं लिया है तभी भी हो गया तो उसको फिर रीवैक्सीनेटेड करना चाहिए एंड केप्ट अंडर अ सर्वेलेंस। देन स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस इज बाय इम्यूनाइजेशन विथ अ वैक्सीनिया वायरस। वैक्सीन इज अ स्टील प्रोड्यूस फ्रॉम द वेसिकल फ्लूइड ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स दैट इज क्लेव्स शीप और बफेलो इनोक्यूलेटेड विथ अ वैक्सीनिया वायरस। वेसिकल्स यानी क्या? स्मॉल फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर ऑन द स्किन। ठीक है, तो ये वैक्सीन प्रिवेंशन में क्या बताया है, अगर कुछ सिम्टम्स आए, स्मॉल पॉक्स हुए, चिकन पॉक्स हुए, तो पहले तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और उसके बाद वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो थ्री स्टेजेस ऑफ वैक्सीनेशन है, थ्री टाइप्स या फिर थ्री स्टेजेस ऑफ वैक्सीनेशन। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज एक्सेलरेटेड, देन थर्ड इज इमीडिएट रिएक्शन। फर्स्ट है प्राइमरी। प्राइमरी यानी क्या? इन प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड पर्सन। प्राइमरी यानी क्या? जो पर्सन ने अभी तक चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है उसको हम वैक्सीनेटेड कर रहे हैं, वो हो गया हमारा प्राइमरी। देन एक्सेलरेटेड, देन इमीडिएट रिएक्शन। इमीडिएट रिएक्शन यानी क्या? इन केसेस ऑफ रीवैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन होने के बाद भी उसको चिकन पॉक्स हो रहे हैं तो उसको रीवैक्सीनेशन देते हैं, उसको बोलते हैं हम इमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस द प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ पैपूस आफ्टर 3-5 डेज ऑफ इनोक्यूलेशन विच इनलार्ज इन साइज एंड डेवलप सेकेंडरी इरिथमा। द वेसिकल बिकम्स अ डिप्रेस इन अ सेंटर एंड बाय 8 or 9 डे द वेसिकल चेंजेस टू पोस्ट्यूट एंड देयर इज अ हाई फीवर एसोसिएटेड विथ अ लिम्फेडेनोपैथी। ये क्या है? प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन कब कैरेक्टराइज होती है? बाय अपीयरेंस ऑफ पॉप्यूल आफ्टर 3-5 डेज ऑफ इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन के बाद पॉप्यूल ऑब्जर्व होता है 3-5 डेज में, देन विच इनलार्ज इन अ साइज एंड डेवलप अ सेकेंडरी इरिथमा। देन वो पॉप्यूल इनलार्ज होता है साइज में एंड डेवलप करता है सेकेंडरी इरिथमा। देन द वेसिकल बिकम्स अ डिप्रेस इन अ सेंटर एंड बाय 8th or 9th डे द वेसिकल चेंजेस टू पोस्ट्यूल। जो वेसिकल्स होते हैं वो बिकम्स अ डिप्रेस होते हैं एंड 8th and 9th डेज में उस वेसिकल्स चेंजेस टू द पोस्ट्यूल। पोस्ट्यूल भी मैंने बताया, पोस्ट्यूल यानी क्या? पैचेस ऑफ स्किन दैट्स फुल ऑफ येलोविश फ्लूइड कॉल्ड एज पस। पोस्ट्यूल में चेंज होता है, देन उसके बाद एंड देयर इज अ हाई फीवर एसोसिएटेड विथ अ लिम्फेडेनोपैथी। देन हाई फीवर भी एसोसिएटेड होता है विथ अ लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी यानी क्या? आफ्टर लिम्फ नोड, अफेक्ट ऑफ द लिम्फ नोड। देन द पोस्ट्यूल ड्राइज अप आफ्टर, जो पोस्ट्यूल होते हैं वो ड्राइड होते हैं आफ्टर 10th डे एंड द स्कैप फॉर्म। जो पोस्ट्यूल होते हैं वो ड्राइड होते हैं आफ्टर 10 डेज एंड द स्कैप फॉर्म। स्कैब यानी क्या? मास्क ऑफ ड्राइड ब्लड दैट फॉर्म्स ओवर अ पार्ट ऑफ बॉडी। देन विच टेक्स अ वीक टू सेपरेट। जो स्कैब होता है वो पोस्ट्यूल से सेपरेट होने में 1 week ले लेता है। देन लिविंग अ टिपिकल वैक्सीनेशन स्कार एंड लिविंग अ टिपिकल वैक्सीनेशन स्कार छोड़ जाता है। देन ये हो गया हमारा प्राइमरी रिएक्शन। देन द एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड रिएक्शन लेस प्रोनाउंस एंड मोर रैपिड दैन द प्राइमरी रिएक्शन बट रेसिड फॉर्मेशन ऑकर्स। द एक्सेलरेटेड रिएक्शन क्या है? लेस प्रोनाउंस है एंड मोर रैपिड दैन द प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन से रैपिड होती है बट रेसिड्यू फॉर्मेशन ऑकर्स होती है। देन इंडिकेट्स अ लिमिटेड डिग्री ऑफ रेसिड्यूअल इम्यूनिटी। जो रेसिड्यूअल इम्यूनिटी है उसकी लिमिटेड डिग्री होती है। द इमीडिएट रिएक्शन मोस्ट मार्क ऑन अ सेकंड एंड थर्ड डे यूजुअली पॉप्यूल ओकेजनली वेसिकुलर एज अ वेल।
जो इमीडिएट रिएक्शन होती है वो इंडिकेट होती है एंड सॉलिड इम्यूनिटी होती है उसकी। ये हो गया हमारा एक्सेलरेटेड। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्राइमरी वैक्सीनेशन आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। अगर प्राइमरी वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, तो उसके थ्री टाइप्स है कॉम्प्लिकेशंस की। फर्स्ट इज जनरलाइज वैक्सीनिया, पोस्ट वैक्सीनल इंसेफेलिटिस एंड प्रोग्रेसिव वैक्सीनिया। फर्स्ट क्या है, जनरलाइज वैक्सीनिया। देन सेकंड है पोस्ट वैक्सीनल इंसेफेलिटिस एंड लास्ट है प्रोग्रेसिव वैक्सीनिया, दैट इज द वैक्सीनिया नेक्रोजम, दैट इज द वैक्सीनिया नेक्रोजम। ऑल दी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आर हाउएवर वेरी रेयर। ये जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है वो रेयर फॉर्म होते हैं। देन एबॉर्शन में ऑकर इन अ प्रेग्नेंट वूमन। अगर प्रेग्नेंट वूमन में ये वैक्सीनेशन दी हमने, प्राइमरी वैक्सीनेशन दी हमने, तो एबॉर्शन भी हो सकता है। एंड इग्जेमा वैक्सीनेशन इन अ पर्सन विथ अ इग्जेमा। फॉर दिस रीजन वैक्सीनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ इग्जेमा और अदर स्किन इन्फेक्शंस। अगर किसी को इग्जेमा रहा तो अगर हमने उसको प्राइमरी वैक्सीनेशन दी तो उसको भी कुछ सिम्टम्स, सीवियर सिम्टम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं, इसलिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर दिए स्किन इन्फेक्शंस में। देन प्रेगनेंसी में, इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी स्टेटस में एंड दोज रिसीविंग इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स। प्राइमरी वैक्सीनेशन हम किसको किसको नहीं दे सकते या फिर किसको किसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, फर्स्ट इज स्किन इन्फेक्शन, जिसको स्किन इन्फेक्शन है उसको हम नहीं दे सकते। देन इन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। देन इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी, अगर इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी रही तो उसमें नहीं दे सकते। देन दोज रिसीविंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो पर्सन ले रहे हैं उसको भी हम नहीं दे सकते। ये हो गया हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्राइमरी वैक्सीनेशन। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ चिकन पॉक्स। थैंक यू।